हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में, जिसका नाम है स्ट्रैंडेड डीप। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपनी जो ट्यूटोरियल थी उसको कंप्लीट कर लिया था, और उसके अलावा भी हम लोगों ने थोड़ा सा टास्क कंप्लीट किया था। मतलब वो अपना ही टास्क था, जैसे कि अंदर जाना और इधर कुछ एक्सप्लोर करना। मतलब पास की चीज़ों को ही हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर किया है। और मैंने यहाँ पर ऑफलाइन खेल करके यहाँ पर ये पाँच मैंने बना दिया है वाटर स्टील। मेरे पास लकड़ियाँ थोड़ी सी ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरे ख्याल से ना शायद जो पाल्म जो ट्री है ये शायद दोबारा नहीं उग के आता है। मुझे ऐसा लगा, ये सब लकड़ियाँ तो उग जाती हैं बहुत जल्दी, लेकिन वो सब शायद नहीं उग रहा था, इसलिए मैंने बहुत ही लिमिटेड आइटम यहाँ पे बनाया था। तो मेरे पास और होता तो मैं इसको बना लेता। फ़िलहाल अभी हमारा सब कुछ फुल होगा। हाँ, अभी सब कुछ फुल है, क्योंकि मैंने बहुत ही कंट्रोल किया अपना खाना पीना। केकड़ा तो भाई मैंने इतना कुछ खाया ना कि एक लोगों से तो भाई इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई, और उसकी तबीयत ऐसी ख़राब हो कि भाई मैं क्या बताऊँगा। लगा इसके पेट में गैस बनने, तुरंत बोल दिया कि भाई मैं दोबारा इसको नहीं खाऊँगा। तो खैर गाइस, कोई नहीं, तो आज हम लोग चलेंगे पास वाले आइलैंड में, देखते हैं कि कौन सा आइलैंड सबसे नज़दीक है, तो वहाँ हम लोग चलेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने पहले से बना के रखी हुई है यहाँ सब, ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लोर किया था। तो पहले आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ इससे, वुड कंटेनर से। भाई ये मुझे बनाना है, मैं इसको बना ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाता गया ना तो मेरा लेवल ऑटोमेटिक ही बढ़ता गया भाई, मैंने कुछ किया ही नहीं, अपने आप बढ़ता है। तो हम लोग को जरूरत नहीं है कुछ करने की, बस अपना हम लोग काम करते रहेंगे और हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो अरे बंजा भाई किधर गया, वुड कंटेनर। अरे कोई बात नहीं, मैंने बना के रखा हुआ पहले से ही ढेर सारा, क्योंकि रात भर में ये उग जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। चल भाई बन गया वुड कंटेनर। ओ भाई ये रहा हमारा वुड कंटेनर, बन गया, गिर जा इधर। तो हम लोग इस, अबे बार बार उठाने की लत पड़ गई है क्या तुमको, तो तुम जब उठ ही रहे हो तो इधर गिर जाओ। ठीक, अब ये बताओ कि मैं तुमको, अरे कुछ तो है ही नहीं, ये सब उठाता हूँ और ये सबको मैं इसके अंदर ही भर देता हूँ। ऐसे एक जगह मैं गिरा के रख दिया था भाई, बैकपैक। ठीक, तो ये सब डे सर्वाइव्ड। ओ चलो ठीक है, इधर गया। इसको मैं कैसे रखूँ यार इसके अंदर। अच्छा, इसको मैं ऐसे करता जाऊंगा तो ये हमारा वहाँ पे आता रहेगा। ठीक 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 अरे ये सब नहीं भाई, सब भर दिया मैंने इसी में ही। ये हथौड़ी आ जाओ भाई। हाँ ठीक, कहाँ गया हमारा हथौड़ी, ये रहा। ये ठीक, ये मैंने गलती से दोबारा बना दिया, मैं दिमाग पता नहीं कहाँ था कि मैंने इसको बना दिया, लेकिन ठीक है। हमारा जो रिफाइंड नाइफ है इसको मैंने दोबारा बनाया, हमारा पहले वाला ख़राब हो गया। मतलब इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है बहुत कम होती है भाई। ठीक है, हम लोगों ने इसको दो रखा हुआ है, और इसको मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर। मैंने एक टूल बेल्ट बना लिया था, जिससे कि हमारा ये हॉट की यहाँ पे आ गया है। अब मैं एक नंबर दबाऊँगा तो हमारा ये आ जाएगा। अब आना आ गया। और हाँ, मैंने यहाँ पे एक स्पेयर भी बनाया था, जिससे कि केकड़ा को मारने में आसानी होती है थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा मैं केकड़ा नहीं खाऊँगा भाई, दिक्कत हो जाएगा फिर। और मुझे यहाँ पर क्या चीज़ बनाना था, बर्ड स्नेयर, तो इसको मैं बना के चलता हूँ। वैसे सब कुछ है मेरे पास, इसको बनाता हूँ, आज पंछी खाएंगे हम लोग। थोड़ा सा मैं सामान इकट्ठा कर लूँ, क्या क्या लग रहा भाई। सो गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई मेरे रिकॉर्डिंग के साथ में, पता नहीं अचानक से बंद हो गया था यार। और मैं इसको यहाँ बना भी दिया, तब मुझे दिमाग में आ रहा है कि अरे यार रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, पता नहीं क्यों हुआ। लेकिन देखिए पकड़ा भी गया यार, मुझे पूरा बोलने भी नहीं दिया। ये कुछ ऐसा हुआ कि मैं इसको बना ही रहा था सब कुछ, मैंने यहाँ पे आइटम्स कलेक्ट कर लिया, जैसे इसको बनाने में गया तब मुझे दिमाग में आया कि अरे यार रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रहा है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो मैंने वापस से गेम को रिस्टार्ट किया और रिकॉर्डिंग को भी चालू किया, तब तक मैं इसको बना चुका था, तो सॉरी गाइस इसके लिए। और हमारे पास एक बर्ड भी यहाँ पकड़ा गया यार, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब ये पकड़ाता रहेगा दिन भर।
ये पकड़ाता रहेगा तो अच्छी बात है भाई, उड़ेगा तो नहीं ऐसे। अब मैं इसको मार सकता हूँ भाई, अबे बैठना पड़ेगा मुझे। एक सीगल, अरे भाई क्या ग्रॉस। करो भाई, करना पड़ेगा तुमको। कहाँ गया ये? आ गया। चलो हमारे खाने का बंदोबस्त हो गया, तो यहाँ पे मैं आग लगा देता हूँ। अब लग गया आग। तो गाइस पहले मैं फटाफट ये बनाऊँ, ठीक है? ये रिफ्यूल हो गया, अब मैं इससे आग लगा सकता हूँ। चलो भाई आग जाओ फटाफट, किसी दिन मेरा माउस तोड़ के मानेगा ये। चल हो जा भाई, ये 3 लकड़ियाँ बची हुई हैं। ठीक, अब यहाँ पे सीगल। चलो भाई अटैच हो जा। तो मैं वैसे भी काफ़ी लेट कर रहा हूँ, मैं फटाफट से निकलता हूँ भाई, ठीक है? हमारे यहाँ पंछी फंसता रहेगा, हमारे पास वेपन्स हैं और तो कुछ चाहिए नहीं, तो मैं ये लेके क्यों जाऊँ? इसको मैं यहीं पटक देता हूँ। ठीक है, एक कोकोनट मैंने रखा हुआ है, ये हो जाएगा, इसको भी लेके चलूँ क्या पता। चलो हो गया हमारा। तो गाइस अब हम लोग निकलते हैं आइलैंड की तरफ। ये रहा हमारा बोट। चल भाई, ये कैसे धूप पता नहीं चली गई, लेकिन सबसे नज़दीक में हमारा बोट है कौन सा भाई? अरे बैठ जा भाई, मौसम खराब हो रहा है क्या ये हैं? इसमें कुछ है क्या? अरे यार इसमें तो कंपास है, ये सब भी मैंने देखा ही नहीं अभी तक यार। गजब, ले लो ये भी, ले लो खाना पीना सब ले लो। ये हमारे राफ्ट में था भाई, अभी मेरे ख्याल से जाना ठीक नहीं है भाई। अरे वापस आ, वापस आ, वापस आ जा। अरे इधर आ, खराब मौसम में हम लोग नहीं जा सकता क्योंकि बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी फिर हम लोग को। अभी जरा, तो अब मैं क्या करूं यहाँ पे? अरे भाई साहब गजब बिजली चमक रहा है भाई, खराब मौसम भाई। तो भाई शायद मौसम ये ठीक नहीं होने वाला है, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं एक ये बना लेता हूँ क्रूड फिशिंग स्पेयर, क्योंकि यहाँ पे एक फिशिंग रॉड भी है। ये सब मुझे बनाना पड़ेगा, तो ये सिर्फ एक सिंगल स्टिक से बन जा रहा है, तो इसको मैं बना लेता हूँ। ठीक, अब ये मछली पकड़ने के लिए शायद आसान हो गया, और जो जो आइटम्स है उसको मैं रख लेता हूँ भाई अंदर। फिलहाल इस मौसम में जाना भी ठीक नहीं है, मैं भी सो जाऊँगा भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्या फ़ायदा। एक काम करता हूँ मैं सो ही जाता हूँ, ये मौसम मुझे ठीक नहीं लग रहा फिलहाल। पहले सेव, उसके बाद स्लिप। हंटिंग लेवल बढ़ गया यार गजब, यू कैन स्लिप एट नाइट। तो गाइस थोड़ा देर वेट करते हैं यार, नाइट हो जाए उसके बाद मैं मिलता हूँ। The next morning. सो ऑर्डर गाइस, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है, तो मैं लेट ना करते हुए भाई फटाफट से पहले मैं चलता हूँ और इसको पहले पानी में उतारूँ भाई, बहुत देर तक मौसम ख़राब रहा यार। गजब परेशान कर दिया उसने मुझे तो। ए भाई पलटना मत यार, ये पलटता भी है क्या? हाँ चढ़ जा भाई, वो चढ़ जा। हाँ ठीक, और इसका पैडल किधर है भाई? पिकअप। तो चलो भाई ऑपरेट करना है हम लोग को इसको। चलो भाई सफ़र में निकलते हैं अब हम लोग, किधर को चला जाए? और हाँ हम लोग इसमें ना सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं फिलहाल। किधर था कैमरा व्यू? थर्ड पर्सन। चलो अब ये रहा, हम लोग इससे भी खेल सकते हैं भाई, इसको मैंने बाद में चेक किया, तो हम लोग इसको इस तरह से भी प्ले कर सकते हैं। फिलहाल ये है हमारा कैरेक्टर यार, इसको तो मैं अभी देख रहा है। तो भाई पास का आइलैंड वो नहीं लग रहा मुझे, वो लग रहा है, तो मैं उधर जाता हूँ पहले। अभी तक मैंने ये सिप को भी नहीं लूटा है भाई, मैंने चेक ही नहीं किया कि इसमें कुछ है भी कि नहीं। अरे चल भाई, कितना ही धीरे धीरे चलेगा, और तेज नहीं चलेगा क्या ये? सो सो करके चला रहा है भाई।
नीचे कुछ पड़ा हुआ ये सब यार, क्या ही काम का है ये सब। चलो देखते हैं। और गाइस हम लोग आ गए हैं अपने ये वाले आइलैंड पे, दूसरे आइलैंड पे। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे देखना पड़ेगा भाई अच्छी तरह से। और यहाँ तक पहुँचने में भाई मुझे तो आधा घंटा लग गया यार, आधा घंटा नहीं मतलब 5-10 मिनट तो लग ही गया। हाँ ऑपरेटर बंद कर दे भाई। और पानी मुझे रास्ते में शार्क भी मिली यार। ए इधर आ, इधर आ जा, इधर आ जा, इसको किनारे पर लगाऊँ फिर यहाँ पर ज़रा एक्सप्लोर करूँ क्या है क्या चीज़ नहीं है भाई। बेचारे का शर्ट वर्ट सब फट गया यार। डे सर्वाइव 5। चलो ठीक है, इसको इधर आ जाओ। आते आते पत्थर दे दिया हमको, ठीक है। अरे भाई इसका पैर कैसा है यार, ये ऐसा भागता है यार, ये हमारा करेक्ट। अरे भाई देखने तो बढ़िया से, चेहरा ही नहीं देखने दे रहा ये भी। यहाँ पे रिसोर्सेस तो, अरे भाई अरे भाई इतना बड़ा केकड़ा यार यहाँ पे। अरे भाई साहब यहाँ केकड़ा है ज़्यादा यार, ये तो हम लोग को अटैक भी कर सकते हैं। अरे तू मुझे मारने आ रहा है। अरे भाई, अरे काटिस 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 काटिस। अरे भाई रुक गया यार। अरे भाई कितना हमारा हेल्थ खा गया यार ये। ओ भाई हमारा एक पॉइंट खा भी गया ये। चल तू, अच्छा अबे नहीं स्किन नहीं निकालना था मुझे, तो पकड़ कर रखना था अंदर। आ गया क्या है, एक बार में कितना स्किन निकल रहा भाई इसका। और निकलेगा ओ भाई, इसका 2 स्किन निकल गया यार, लेकिन काफ़ी तगड़ा है भाई ये। क्या मैं इससे फाइट कर पाऊँगा, कितना बचा भाई, 97% भी बचा अभी इसका। यहाँ मैंने देखा पिक के बच्चे को देखा, आए बोर जंगली सुअर है तो काटी सुनाई हमके, मारे क्या इसको। आए रुक जा भाई, शायद इसको नहीं मार सकते हम लोग, खेलने के लिए आई है। चल जाने इसको नहीं मारेंगे, जाओ जाओ नहीं मारेंगे तुमको, अपने पप्पा जी को भेजना उनसे लड़ाई करेंगे हम लोग। अभी कितने हैं, एक उधर गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हम लोग अब बना ले क्या यार बेस। यहाँ पे रिसोर्सेस में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं फ़िलहाल वहाँ के मुकाबले, तो यहाँ फ़िलहाल हमें एक्सप्लोर करना है। तो पहले मैं एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे एक नाव डूबी हुई थी, नाव नहीं मतलब कुछ थी वहाँ पे, ज़रा देखूँ वहाँ पे क्या मिल रहा भाई, यहाँ का पानी कितना क्लियर है। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे ऐसा मज़ा नहीं आ रहा भाई। ये हमारा FPP में ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे हैं का, ये क्या है, आए क्या हो भाई तुम, अब पता ही नहीं केकड़ा सब है यहाँ पे। ओ भाई क्लॉथ मिली, ठीक है रख लो भाई जो मिल रहा रखते जाओ। यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे कंटेनर एक है, रस्सी दे रहा है, रस्सी लेके मैं क्या करूं। हाँ यार ये क्या है, ये तोड़ेंगे क्या हम लोग, टूटोगे भाई तुम ऐसे। नहीं यार ये टूटेगा ही नहीं भाई, इतने पानी में शार्क तो नहीं आएगी, एकदम हालत खराब हो जाएगा यार हमारा तो। अरे हाँ यार शार्क भाई आएगी कैसे नहीं, ऊपर चढ़ जा भाई ऊपर चढ़ जा ऊपर चढ़ जा। अबे चढ़ ऊपर, चढ़ गया, कहाँ गया सार यार। आई नीड टू फाइंड वाटर, लो मैं वहाँ से पानी पी के भी नहीं चला।
इतना नुबड़ा मैं कैसे हो सकता हूँ फिलहाल। अरे कुछ दे दो यार, अंदर कुछ कंटेनर संटेनर कंटेनर है भाई यहाँ पे, निकल जा भाई। अरे फ्लेयर गन, हट सरवा। ये क्लॉथ को मैं यहीं पे गिरा देता हूँ भाई, नहीं, ये लैसिंग गिरा देता हूँ। ठीक, मैं वहाँ बना लूँगा दूसरा। आप में क्या है, दे दो यार। अरे भाई मैं गया। अरे भाई साहब, ये इतना आसान नहीं है भाई यहाँ पे सरवाइव करना। एक तो हैमर हेड शार्क मेरा पीछा कर रही है कब से, इसको मैं कैसे निपटाऊंगा? मेरे पास तो पानी भी नहीं है, इससे मरेगी क्या ये? ए इधर आ, अंदर घुस के मारना पड़ेगा क्या मुझे? खैर कोई नहीं, चलिए वन मोर ट्राई। अबे कुछ निकल जा, ये फ्लेयर गन किस काम आएगा? चलो इन्वेंट्री हमारी फुल हो गई है फिलहाल, तो अभी मैं ऊपर चलूं वरना ये शार्क हमारा जीना मुश्किल कर देगी भाई। नहीं लगेगा तुमको, मैंने सेव भी नहीं किया है तो मुझे वहां जाके सेव करना पड़ेगा। अरे भाई यहाँ सेव होगा ही नहीं ये। ओह बड़ी फजीहत है यहाँ पे भाई, अब मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ? निपटार नहीं देगा भाई मुझे रास्ते में, भागता हूँ। ओए भाग जा, बहुत सही, नहीं, बहुत सही बहुत सही, ऊपर चढ़ घोड़ू। आगे से मैं तैरने गया हूँ बताओ। ये शार्क मछली भाई मेरा पीछा करके मानेगी, पहले तो मैं निकलूँ यहाँ से, अभी मैं पकड़ा हुआ हूँ क्या यार? ओ रे आजा, जा किनारे पे आ जा, किनारे पे आ जा। आ गया, आ गया भाई किनारे पे आ गया। यहाँ तक मछली तो खैर आएगी नहीं। हो अच्छा, मैंने ये ट्राई नहीं किया यार कि वहाँ का जो कंटेनर था मैं यहाँ पे रख सकता हूँ या नहीं, स्टोरेज है तो फिलहाल। ये सब चला जाओ भाई तुम, बस अब नहीं जाएगा, चला जाता है यार। और ये कंपास मेरे किस काम आएगा भाई? मेरा घर आइलैंड वो रहा, अपन आया है वहाँ से भाई, मेरे को वहाँ भी जाना है यहाँ भी जाना है, मतलब मुझे अभी बहुत जगह घूमना फिरना है भाई। अभी मैं पूरी से तैयार नहीं हो पा रहा भाई, अब मैं समझ गया, मुझे पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब मैं आ ही गया हूँ तो इसको मैं मार के ही जाऊँगा। मेरा स्पीयर कहाँ गया? मैंने यहाँ रख दिया क्या? बहुत सही, मेरा स्पीयर पता नहीं कहाँ गया, और इससे मैं भिड़ नहीं पाऊंगा अभी। तुमको लगेगा भाई, इससे लगेगा तो मर जाना प्लीज। अबे लग जा यार, गया। लेकिन ये इसके काम के लिए नहीं है भाई, ये मुझे हटाना पड़ेगा। ग्रॉस। तो भाई मैंने इसका स्किन तो निकाल लिया, और ये चिंदी चिंदी तब पत्थर में लेके चलता हूँ। मेरे ख्याल से तो वहाँ पे भी ये सब लकड़ियाँ लकड़ियाँ तो मिल जाएंगी। खैर ये पाल्म ट्री का जो है ना, उसको लेके चलूँ क्या मैं? 5 minutes later. सो गाइस, अभी मैंने एक पेड़ को काटा तो मुझे नारियल मिल गया, सोचा कि मैं इसका यूज कर लूँगा। तो सो गाइस, फिलहाल तो आज की वीडियो मुझे यहीं तक रखनी पड़ेगी क्योंकि पानी की ज़रूरत है, और वो मैं अपने आइलैंड पर छोड़ करके आ गया हूँ। थोड़ी दिक्कत हो जाएगी हम लोग, और यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो अभी मैं जाऊँगा अपने आइलैंड पे। सो गाइस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपने अलग अलग आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे। आज तो फिलहाल ज़्यादा मैं कर ही नहीं पाया भाई, मौसम ही ख़राब हो गया था तो जिसकी वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाया। और तो गाइस, तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग ऐसे मज़ेदार मज़ेदार वीडियो इस टाइप लेकर के आते रहते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।